हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फैंटेसी विनर। आज जो हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसके ऊपर देख लेंगे क्या होने वाला है आज का मैच प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आज का टीम कॉम्बिनेशन, साथ में देखेंगे क्या होने वाला है आज का अपने स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये मैच कब कहाँ कितना बजे खेला जाने वाला, साथ में देख लेंगे कि हम लोग किस किस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग जैसे देखेंगे हम लोग बात करेंगे रिसेंट 5 मैचों का स्टैट्स। दोनों टीम जब भी हेड टू हेड में टकराया है तो कौन सा खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन दिया, कौन सा खिलाड़ी ने नहीं दिया, वो सारा चीज देखेंगे। फिर देखेंगे वेन्यू रिकॉर्ड, यानी कि जब भी इस ग्राउंड पर मैच हुआ है या तो फिर इस मैच का स्कोर कट रहा है कैसा रहा है। उसके बाद देखेंगे प्लेयर बैटल, यानी कि जब भी दोनों टीम आमने सामने टकराया है तो कौन कौन सा बॉलर ने कौन कौन सा बैट्समैन को कितना बार आउट किया, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन, एंड लास्ट में देखेंगे स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का कैसा होने वाला अपना टीम कम्बिनेशन। उससे पहले देख लेंगे ये जो मैच खेला जाने वाला है कहाँ पर खेला जाने वाला है। हेडिंगली लीड्स पर ये मैच खेला जाने वाला है सेकेंड ओडीआई 21 सितंबर को शाम को, यानी कि दोपहर के 3:30 बजे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। कुल मिलाकर 3 बजे टॉस, 3:05 में लाइन अप और 3:10 से लेकर 3:15 के अंदर आपको जो है फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे कुछ ऐसा खिलाड़ी जो कि इस मैच में आपको एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से देखने को मिल सकता है। जैसे कि इंग्लैंड की तरफ से आपको देखने को सॉरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिख जाएगा ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट एंड लवसुंग, ये 3 खिलाड़ी होने वाला इस मैच में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन एंड जोफ्रा आचर। अब कौन कौन सा खिलाड़ी एक्चुअली में ट्रम्प बनेगा वो भी आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल के लिए चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड पर जब भी मैच हुआ है तो ड्रीम टीम हमेशा कैसा देखने को मिला था। लास्ट मैच की बात करेंगे तो ये आई थिंक सो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुआ था, जहां पर कैप्टन बना था मैथ्यूज, वाइस कैप्टन से रोहित शर्मा बना था। बहुत पहले की मैच है क्योंकि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी देख रहा है थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ ब्रेथवेट कैप्टन बना था, वाइस कैप्टनसी अली खिल बना था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बैटिंग फेवर में मैच था। तीसरे की बात करेंगे कैप्टन बना साइन इमाद ओसिम एंड साइन अफरीदी, यहाँ पर भी मैच जो है बैटिंग फ्रेंडली था, T20 का था ये सब आई थिंक सो T20 का ही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे हेड टू हेड बैटल। हेड टू हेड बैटल में कुछ कॉमन फैक्टर खिलाड़ी में आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, स्मिथ नहीं है, हैरी ब्रुक नहीं है, लाबोसुंग आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लाबोसुंग दिख जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर से बॉलिंग से आपको दिख जाएगा जंपा, एडम जंपा कॉमन फैक्टर में दिख जाएगा तीनों के तीनों बार। विल जैक्स आपको दिख जाएगा एक बार, और यहाँ पर से विली राशिद हेजलवुड स्टार्क यहाँ पर से नहीं है कोई, मतलब एवरेजली देखेंगे तो ये जो मैच है बैटिंग फ्रेंडली होने वाला है इस ग्राउंड पर। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस। उससे पहले टेलीग्राम चैनल किस तरीके से ज्वाइन करना है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ऐसा नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिख जाएगा, इसके जरिए आप सीधा ये वाला चैनल पर आ सकते हो, नीचे जो है ज्वाइन वाला बटन में क्लिक करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इनकेस आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप भी जो अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का डेप्थ एनालिसिस। इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 280 से लेकर 290, वहीं पर हाइस्ट टोटल 351 हुआ है, लोएस्ट टोटल 93 रन हुआ है। टोटल मैच यहाँ पर 43 खेला गया, जिनमें से बैटिंग फर्स्ट ने 17 बार जीता, बैटिंग सेकंड ने 26 बार जीता, तो कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड का आंकड़ा इस ग्राउंड पर थोड़ा ज्यादा है। ओडीआई स्कोर पैटर्न की बात करेंगे तो 200 से नीचे 14 बार बना, 200 से लेकर 250 के बीच में 11 बार, 250 से लेकर 300 के बीच में 12 बार और 300 के ऊपर 6 बार बनता हुआ देखने को मिला है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 300 से लेकर 280 से लेकर 330 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा इस ग्राउंड पर। आगे चलेंगे फिलहाल के लिए नेक्स्ट और देख लेंगे इस ग्राउंड का स्कोर कार्ड किस तरीके का देखने वाला है। श्रीलंका इंडिया का लास्ट मैच हुआ जो कि बहुत पहले का है, 264 किया था और इंडिया ने 265 चेजिंग कर लिया था। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 5, स्पिनर 2, सेकंड इनिंग में पेसर ने 3, स्पिनर ने 0 विकेट। जैसे दूसरी तरफ देखेंगे वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान का बीच में मैच हुआ, वेस्ट इंडीज ने 311 किया, अफगानिस्तान 288। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 4, स्पिनर 0, सेकंड इनिंग में पेसर ने 3, स्पिनर ने 2 विकेट।
29 जून को मैच हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 6 स्पिनर थे, सेकंड इनिंग में पेसर ने 0, स्पिनर ने 5 विकेट, 227 किया, जो कि पाकिस्तान ने चेजिंग कर लिया। वहीं पर श्रीलंका इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ, जहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 7, स्पिनर 2, सेकंड इनिंग में पेसर ने 7, स्पिनर ने 3। यहाँ पर भी चेजिंग नहीं कर पाया, श्रीलंका डिफेंड करता हुआ ये मैच को विन किया। यानी कि सेकंड इनिंग में स्पिनर को कुछ कुल मिलाकर मदद दिख रहा है, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर करें तो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे पर्टिकुलर कौन कौन ऐसा बॉलर होने वाला है जो कि ग्राउंड से आपको अच्छा खासा विकेट लेता हुआ देखने को मिल जाएगा। लास्ट 4 मैचों की बात करेंगे, पेसर ने निकाला 35 विकेट, स्पिनर ने निकाला 17 विकेट। ये जो 35 विकेट पेसर ने निकाला है, इनमें से पर्टिकुलर राइट आर्म फास्ट ने निकाला 12 विकेट, राइट आर्म फास्ट मीडियम 13 विकेट, राइट आर्म मीडियम 0, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ने 10 विकेट। यानी कि कुल मिलाकर राइट आर्म मीडियम को विकेट नहीं मिला, बाकी सभी को ऑलमोस्ट इक्वलिटी पर विकेट मिला है। दूसरी तरफ स्पिनर की बात करेंगे, लेग ब्रेक राइट हैंड लेग ब्रेक को 5 विकेट, लेफ्ट आर्म चाइनामैन 0, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 3 एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक को 9 विकेट, ऑलमोस्ट इक्वलिटी पर मिला है। लेकिन राइट आर्म ऑफ ब्रेक को थोड़ा सा इस ग्राउंड पर विकेट जो है ज़्यादा देखने को मिला है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दोनों टीमों का हेड टू हेड बैटल क्या होने वाला है। इन दोनों के बीच में टोटल 157 मैच खेला गया है, जिनमें से इंग्लैंड ने 63 मैच जीता और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने 89 मैचेस जीता है। जहां पर रिसेंट 5 मैचों की बात करेंगे तो इंग्लैंड जो है 5ों में से 3 मैच हारा, 2 मैच जीता है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया लगातार 5ों के 5ों मैच जीतता हुआ आया है। जीतने का चांसेस 40-60 होने वाला है। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे क्या होने वाला है दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11। पहले इंग्लैंड का देख लेंगे, फिलिप सॉल्ट एंड डकेट ओपन करता हुआ दिख जाएगा, विल जैक्स आपको ऑन डाउन पर दिख जाएगा, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर से आपको विल जैक्स दिख सकता है। ऑन डाउन पर आपको स्मिथ दिख जाएगा, टू डाउन पर आपको हैरी ब्रूक दिख जाएगा। हैरी ब्रूक मेरा ख्याल से उतना खास इंपॉर्टेंस खिलाड़ी है नहीं, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। वहीं पर लियम लिविंगस्टन दिख जाएगा, राइट हैंड बैट लेग ब्रेक ठीक ठाक खिलाड़ी है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, टीम में जगह बनाकर लेकर चलो। फिर आपको जैकब दिख जाएगा, लेफ्ट हैंड बैट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, स्पिनर को कुछ खास तरीके से मदद नहीं है, तो आप अगर चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन इंग्लैंड जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, बैटिंग आराम से आ जाएगा तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, तो टीम में लेकर चलो। वहीं पर जोफ्रा आर्चर राइट आर्म फास्ट स्पेशलिस्ट, डेथ स्पेशलिस्ट, पावर प्ले, तो कहीं ना कहीं टीम में लेकर चलना चाहिए। वहीं पर कर्स की बात करेंगे, राइट आर्म फास्ट ठीक ठाक खिलाड़ी है, टीम में ले चल सकते हो, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। आदिल राशिद लेग ब्रेक, स्पिनर का कुछ खास रोल इस ग्राउंड पर है नहीं, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा विकेट मिला है स्पिनर को। अगर इंग्लैंड का टीम पहले बैटिंग करता है उस दौरान टीम में लेना है, और अगर इंग्लैंड का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है उस दौरान आदिल राशिद को टीम से ड्रॉप करना है। फिर आपको देखने को मिल जाएगा फोर्स राइट आर्म फास्ट मीडियम, अपने हिसाब से ट्राई कर लेना, खास तरीके से प्रिडिक्शन अप्लाई नहीं करूंगा पोर्ट्स के ऊपर। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखेंगे, पहले दिख जाएगा ट्रेविस हेड एंड मिचेल मार्श ओपन करता हुआ। मिचेल मार्श आपको बॉलिंग करता हुआ भी दिख सकता है, तो कहीं ना कहीं टीम में लेकर चलो। सीबीसी का भी बेस्ट ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर से, दोनों के दोनों खिलाड़ी पावर प्ले का, ठीक है। फिर आपको स्टीवन स्मिथ राइट हैंड बैट्समैन ठीक ठाक खिलाड़ी है, टीम में ले चलो। कैमरन ग्रीन दिख जाए राइट हैंड बैट राइट आर्म फास्ट मीडियम, बॉलिंग डलाएगा बैटिंग भी कर देगा, तो टीम में लेने का तो छोड़ना ही मत। वहीं पर लवसुंगी की बात करेंगे, राइट हैंड बैट लेग ब्रेक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, ओडीआई के लिए बेस्ट खिलाड़ी है, तो टीम में लेकर चलो। साथ में अगर चाहो तो एक आदमी कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी बनाकर दे सकते हो। फिर आपको देखना हो कैरी लेफ्ट हैंड बैट विकेट कीपर, बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है, मेरा ख्याल से उतना भी खास इंपॉर्टेंसी रोल नहीं रहेगा। मैथ्यू शॉट राइट हैंड बैट राइट आर्म ऑफ ब्रेक, मैं मैथ्यू शॉट को खास तरीके से प्रेफर नहीं करूंगा। हार्डी राइट हैंड बैट राइट आर्म फास्ट मीडियम, पावर प्ले में बॉलिंग डालेगा, साथ में डेथ में भी आएगा, टीम में जगह बनाकर दे सकते हो। डोवर्सिस दिख जाएगा लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, यह बहुत ही बढ़िया बॉलर है, टीम में ले चलो। भाई कैप्टन वाइस कैप्टनसी बॉलिंग से चुनो ही मत, क्योंकि पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली होने वाला है, तो चुनना मत, ठीक है। सेन अबाउट राइट हैंड बैट राइट आर्म फास्ट मीडियम एंड फिर आपको देखने को मिल जाए एडम जंपा, अगर स्पिनर है तो कहीं ना कहीं, अगर मान के चलो इंग्लैंड का टीम पहले बैटिंग कर रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है उस दौरान एडम जंपा को ड्रॉप करना है, और अगर मान के चलो ऑस्ट्रेलिया का टीम पहले बैटिंग कर रहा है उस दौरान एडम जंपा को अपने टीम में लेकर चलना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर को सेकंड इनिंग में ज्यादा मदद मिला है कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस क्या होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का। पहले दिख जाएगा ट्रेविस हेड, लास्ट मैच में 154 के साथ 2 विकेट निकाला है, 31-59-12-0। हेड टू हेड में 15 मैच में 800 रन किया है, एवरेज 50 का, 2 विकेट निकाला है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। ग्राउंड में मैच नहीं है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा, लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिया है, कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड। मिचेल मार्श की बात करेंगे, राइट हैंड बैट राइट आर्म फास्ट मीडियम, 10-2-31 बैटिंग नहीं है, 39 रन। हेड टू हेड में 19 मैच में 574 रन किया है, 34 का एवरेज, 19 विकेट निकाला है, 19 मैच में 19 विकेट, विकेट के मामले में सेम है।
ठीक है, एंड एवरेज के मामले में भी ठीक है। ग्राउंड में एक मैच में 17 के साथ 2 विकेट निकाला, बढ़िया प्रदर्शन है, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। चाहो तो एक आध में सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो अगर ओपन करने आया उस दौरान। स्टीवन स्मिथ 32, 88, 1, 56, 57 बहुत टाइम बाद लौटा है, होपफुली नेक्स्ट मैच में 50+ स्कोर करके जाएगा तो ड्रीम टीम का हिस्सा आराम से बनेगा, टीम में जगह बनाकर दे सकते हो। हेड टू हेड की बात करेंगे, 35 मैच में 1135 एवरेज, 38 का 15 विकेट निकाला है, 1 मैच में 5 रन का पारी दिया है। जैसे कि मैंने बताया 50 तक कर सकता है मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन के अनुसार, तो टीम में जगह बना कर दो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहली आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा कैमरन ग्रीन, 32 के साथ 0, 13 के साथ 0, 13 के साथ 1, 62 के साथ 3 विकेट एंड 2 विकेट, हेड टू हेड में 3 मैच में 99 के साथ 0, ग्राउंड में मैच अभी भी नहीं खेला है। कैमरन ग्रीन मेरा ख्याल से उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन बॉलिंग की वजह से टीम में जगह बनाकर देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 डाउन पर बैटिंग करने आएगा, फिर बॉलिंग भी डलाएगा, तो 2 विकेट मिल गया और 30 रन मार दिया तो आराम से ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ लावासोंगी की बात करेंगे तो 77 के साथ 3 विकेट 5 विकेट, 50 के साथ 1, 2 के साथ 1, 1 के साथ 1 विकेट, हेड टू हेड में 8 मैच में 307 के साथ एवरेज, 40 का 3 विकेट निकाला, ग्राउंड में मैच नहीं है। ओडीआई का बेस्ट खिलाड़ी है, थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आएगा तो और भी अच्छा खासा स्कोर करके दे सकता है, तो टीम में जगह बना कर दो। सीबीसी अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आता है तो उस दौरान कैप्टन वाइस कैप्टन से भी आप दे सकते हो। एलेक्स कैरी की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड बैट विकेट कीपर, बैटिंग नहीं है, 14 रन 98 13 49, हेड टू हेड में 12 मैच में 346 के साथ एवरेज 29 का, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। एलेक्स कैरी की बात करेंगे, बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है तो मेरे हिसाब से उतना भी खास इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी, पहली आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा मैथ्यू शॉर्ट, 1 विकेट 28 के साथ 5, 41, 1 के साथ 0, 25 के साथ 0, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। मैथ्यू शॉर्ट को मैं अपने साइड से प्रेफर ही नहीं करूंगा, तो मैं आप लोगों को भी एक ही सलाह दूंगा कि भाई ड्रॉप करके चलो। एरन हार्डी की बात करेंगे, 0 विकेट 20 के साथ 0, 11 के साथ 2, 1 विकेट 19 के साथ 0, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट, ग्राउंड में एक भी मैच नहीं खेला है। हार्डी को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में रहूंगा, टीम में लेना है नहीं लेना है ये लो, ये जो है आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर लेना है, हार्डी को लेना है या नहीं लेना है। डुआर्सिस की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, 1 विकेट 20 के साथ 2, 40 के साथ 2, 1 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट निकाला, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। बहुत ही बढ़िया बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं 2 विकेट पकड़ के चलो बेन डुआर्सिस के खाते में, तो टीम में लेकर चलो। सीबीसी अपने साइड से प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ आपको देखने को मिला सेन अबाउट, 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। सेन अबाउट की बात करेंगे, T20 में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिया, लेकिन भाई T20 एंड ODI बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सेन अबाउट इस मैच में फ्लॉप होता हुआ आपको फिर से दिख सकता है। एडम जंपा, 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड में 13 मैच में 29 विकेट निकाला, एवरेज निकालोगे 2 विकेट से ज़्यादा पर मैच का है, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। लेकिन इस ग्राउंड का जो डेटा बता रहा है, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को उतना खास तरीके से विकेट नहीं मिला है, सेकंड इनिंग में कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफर मिला है स्पिनर को। तो आपको अगर भाई यहाँ पर से जंपा को लेना है तो कोशिश ये करना, ऑस्ट्रेलिया का टीम जिस दौरान पहले बैटिंग करेगा उसी दौरान लो, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का टीम पहले बॉलिंग करता है उस दौरान आप जंपा को ड्रॉप कर सकते हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा बॉलर होने वाला है। स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा हार्डी, सेन अबॉट एंड डॉर्सी, डेथ में देखने को मिल जाएगा ट्रेविस हेड, जंपा एंड मैथ्यू शॉर्ट। बेंच में ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनमें से होपफुली यहाँ पर से प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर मिचेल स्टार्क को लेकर आने का चांसेस बन सकता है, जोस हेज़लवुड को भी लेकर आने का चांसेस बन सकता है। मैक्सवेल का कोई गारंटी नहीं है, मैक्सवेल को भी लाना चाहता है तो होपफुली मैथ्यू शॉर्ट के प्लेस पर लेकर आ सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे क्या होने वाला है अपना इंग्लैंड का रिसेंट परफॉर्मेंस। जैसे इंग्लैंड का बात करेंगे, पहले दिख जाएगा फिलिप्स सॉल्ट, 17, 39, 20, 0, 12, हेड टू हेड में 4 मैच में 44, ग्राउंड में मैच नहीं है, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होगा क्योंकि फिलिप सॉल्ट जो है मैक्सिममली ODI के लिए बेस्ट नहीं है, T20 के लिए बेस्ट है, ODI के लिए नहीं। बिन डकेट 95, 7, 22, 30, 54, हेड टू हेड में 1 मैच में 95 रन, ग्राउंड में मैच नहीं है, वो भी 95 जो रन किया था वो लास्ट मैच में किया था। आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करो, मैं बेंडागेट के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट में रहूंगा। विल जैक्स की बात करेंगे, राइट हैंड बैट राइट ऑफ ब्रेक, 62 के साथ 0, 12, 6, 8, 31 के साथ 0 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच में 62 के साथ 0, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। विल जैक्स बढ़िया खिलाड़ी है, टीम में लेकर चलो, साथ में बॉलिंग डलाएगा, सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, सेफ ऑप्शन होने वाला है क्योंकि ऑन डाउन पर बैटिंग करने आएगा, बॉलिंग भी कंप्लीट डलाएगा, तो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन है विल जैक्स।
आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी। पहली आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा स्मिथ, 23-0-16-67-21 हेड टू हेड में एक मैच में 23 ग्राउंड में मैच नहीं है, मेरा ख्याल से कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होगा, मैं अपने साइड से ड्रॉप करके चलूंगा। हैरी ब्रूक 39 बैटिंग नहीं है, 43-7-15 हेड टू हेड में एक मैच में 39 ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। हैरी ब्रूक की बात करेंगे, हैरी ब्रूक मेरा ख्याल से उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं होगा क्योंकि हैरी ब्रूक मैक्सिममली टाइम T20 के लिए बेस्ट है ना कि ODI के लिए, तो इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत प्रेफर करूंगा ड्रॉप करने का। लियाम लिविंगस्टन राइट हैंड बैट लेग ब्रेक, 13 के साथ एक, 87 के साथ 2, 37 के साथ 3, 43 के साथ एक, 55 रन हेड टू हेड में दो मैच में 15 के साथ 2 विकेट, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है, तो कहीं ना कहीं लियाम लिविंगस्टन मुझे लग रहा है बेस्ट पिक नेक्स्ट मैच के लिए होने वाला है, टीम में लेकर चलो। साथ में कुछ लोग अगर रिस्क लेना चाहते हो तो वो लोग कैप्टन वाइस कैप्टन से भी लियाम लिविंगस्टन को दे सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा खिलाड़ी। पहली आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा जैकोब, 35 के साथ एक विकेट, 44 रन, 2 के साथ 0, 5 रन, 8 के साथ 0 विकेट, हेड टू हेड में एक मैच में 35 के साथ एक, ग्राउंड में मैच नहीं है। जैकोब मेरा ख्याल से उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं होगा तो मैं अपने साइड से ड्रॉप करके चलूंगा। जोफ्रा आर्चर 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड में 6 मैच में 10 विकेट निकाला है, ग्राउंड में एक मैच में 3 विकेट। जोफ्रा आर्चर ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ खास तरीके से प्रेफर नहीं करूँगा। वहीं पर कार्स की बात करेंगे, 0 विकेट, 2 विकेट, 18 के साथ 2 विकेट, 18 के साथ 0, 1 विकेट, हेड टू हेड में एक मैच में 0, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। कार्स की बात करेंगे, कार्स में थोड़ा बहुत डाउट में रहूंगा, आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर लेना, मैं भी अपने हिसाब से ट्राई कर लूँगा पिच के अकॉर्डिंग, और फाइनल अपडेट टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर देकर रखा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे दूसरा, यानी कि आदिल रशीद, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, हेड टू हेड में 27 मैच में 47 विकेट निकाला है, लेकिन ग्राउंड में 7 मैच में 13 विकेट, यानी कि सब जगह पर बढ़िया प्रदर्शन दिख रहा है। लेकिन अगर इंग्लैंड का टीम पहले बैटिंग करता है उस दौरान आदिल रशीद बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर इंग्लैंड का टीम पहले बॉलिंग करता है उस दौरान आदिल रशीद का कुछ खास रोल नहीं होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैथोपोर्ट्स की बात करेंगे, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, हेड टू हेड में एक मैच में 1 विकेट निकाला है, ग्राउंड में अभी भी एक भी मैच नहीं खेला है। मैं अपने साइड से मैथोपोर्ट्स की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने हिसाब से ही ट्राई कर लेना, मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मैं कुछ खास तरीके से पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा, जो आपको अच्छा लगे वैसा करो, लेना है तो ले लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट और देख लेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ में कौन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा मैथोपोर्ट्स, और आपको देखने को मिल जाएगा कार्स एंड आर्चर, एंड डेथ में दिख जाएगा जोफ्रा आर्चर, कार्स एंड विल जैक्स। बेंच में कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनमें से होपफुली स्टोन को प्रॉपरबल प्लेइंग 11 पर लेकर आने का चांसेस बन सकता है, इनफैक्ट महमूद को भी लेकर आने का चांसेस बन सकता है। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट और देख लेंगे कैसा होने वाला है अपना टीम कम्बिनेशन। विकेट कीपर में रखेंगे फिलिप सॉल्ट, बैटिंग में रखेंगे स्मिथ, ट्रेविस हेड, डकेट एंड लवसुंगी, बॉलिंग में रखेंगे लियाम लिविंगस्टन, विल जैक्स, सॉरी ऑलराउंडर में विल जैक्स एंड कैमरन ग्रीन, बॉलिंग में रखेंगे आदिल रशीद, जंपा एंड जोफ्रा आर्चर। फिलहाल के लिए कैप्टन देकर रखे हैं ट्रेविस हेड एंड वाइस कैप्टन से लियाम लिविंगस्टन को देकर रखे हैं। रही बात फुल एंड फाइनल टीम कम्बिनेशन का, वो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। फिलहाल के लिए देख लेंगे स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग के लिए कुछ ऐसा खिलाड़ी जिन लोगों के साथ आप अपना एज ए ट्रम्प कार्ड वाला खेल खेल सकते हो, साथ में कुछ ऐसा भी खिलाड़ी जिनके साथ आप अपना स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग का टीम एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर प्रेफर भी कर सकते हो। पहले दिख जाएगा ट्रेविस हेड, लवसुंगी, फिलिप सॉल्ट एंड लियाम लिविंगस्टन, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपना टीम में एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी चुन सकते हो। रही बात स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग में एज ए ट्रम्प कार्ड चुनने का खिलाड़ी का, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाए जैकोब, हैरी ब्रूक, विल जैक्स एंड जोफ्रा आर्चर, ये कुछ खिलाड़ी होने वाला है जिनको आप अपना टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात फुल एंड फाइनल टीम कॉम्बिनेशन का, तो वो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर देकर रखा है। वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताते हुए जाना, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर जाना, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप भी जो अपना फर्स्ट व्यूअर बन सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।